एशिया के सबसे बड़े शैक्षणिक ट्रस्ट कहे जाने वाले कायस्थ पाठशाला केपी ट्रस्ट के चुनाव में डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा ने विजय दर्ज कर इतिहास रच दिया। उन्होंने केपी ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष रहे और वर्तमान में उनके प्रतिद्वंदी चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह को कड़ी टक्कर में कुछ ही मतों से पराजित कर दिया है। अंतिम राउंड की वोटिंग के पश्चात डॉक्टर सुशील सिन्हा 128 मतों से विजयी हो गए थे, जिस पर दूसरे गुट ने हंगामा शुरू कर दिया। रिकाउंटिंग की मांग उठी और मतगणना स्थल पर माहौल गर्म हो गया। उनकी विजय के उपरांत जश्न का माहौल व्याप्त रहा। तभी रिकाउंटिंग शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद जहां शुरू में 128 मतों से डॉक्टर सुशील सिन्हा विजयी हुए थे, वहीं दोबारा काउंटिंग में 28 मतों से विजयी हुए। इसके बाद पुनः जश्न शुरू हुआ और समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की। जनहित संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाजपा मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने कायस्थ पाठशाला के चुनाव में डॉक्टर सुशील सिन्हा की जीत को लेकर बधाई दी और कहा कि डॉक्टर सुशील सिन्हा की जीत लोकतंत्र और कायस्थ समाज की जीत है और परिवारवाद की हार है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष प्रमिल केसरवानी, सुशील जैन, अजय अग्रहरी, शत्रुघ्न जायसवाल, अभिलाष केसरवानी, सुमित केसरवानी, सचिन गुप्ता, अभिषेक जैन, रविन्द्र गांधी, सलभ पांडे, रवि शुक्ला सहित समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बधाई दी।